एपी रोहलखंड, बीए पार्ट टू यानी कि बीए सेकंड ईयर, सेमेस्टर फोर रहेगा इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें हम मॉडल पेपर हल करेंगे पूरा कंप्लीट। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा या कमेंट करिएगा, ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें हम, ये हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, पेपर है इंडियन लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन। इसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, प्ले स्टोर पर जाके देख सकते हैं आप लोग, विजिट कर लें। और अन्य वीडियो जो यूनिट बची हुई हैं उनके भी वीडियो आएंगे। तो पेपर जो हमारा मॉडल पेपर था उसको बनाना ज़रूरी था, क्योंकि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये पेपर तैयार किया है। ये हमारा पेपर कोड रहेगा 41424, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बीए सेकंड, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं जिनका सेकंड सेमेस्टर है, तो उसमें भी किसी के दो पेपर हैं तो कमेंट में अपना कोड नंबर और पेपर जरूर बताएं। और जिसका एक पेपर है तो वो भी कमेंट में अपना लिख दे कि मेरा एक पेपर है, तो उसका हम एक पेपर भी सिंगल तैयार कर देंगे मॉडल पेपर। जो सेकंड सेमेस्टर है उसका फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर तैयार हो चुका है, वो प्ले स्टोर में अपलोड है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर वाले, ये फोर्थ सेमेस्टर का है। तो आइए करते हैं इसको स्टार्ट। तो इसमें हमारा ये पेपर कोड हो गया, समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। यहाँ पर आपकी जाएगा 75 नंबर, यानी कि आपका 25 नंबर का जो आपका मिड टर्म हुआ है, ठीक है। और 75 नंबर का आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वो होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन राइट दिए होंगे, सॉरी 4 दिए होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है एक जो कि राइट होगा। और OMR बेस पर एग्ज़ाम आपका होने वाला है, चूँकि आप सेकेंड सेमेस्टर में दे चुके होंगे, तो सावधानी से काम करें। और आपको कोई से भी 75 क्वेश्चन ही हल करने हैं, लेकिन पर क्वेश्चन आपके दिए होंगे 100, ठीक है, 100 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से आपको 75 क्वेश्चन हल करने हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, दिशा निर्देश। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज़ करेक्ट, उनमें से एक हमारा सही होगा, ठीक है। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर आंसर, और अपने आंसर के लिए सही ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन पहला है, व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, कि मुख्य रूप से ट्रांसलेशन के जो मेन प्रकार हैं क्या हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आंसर को। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे ही आपको वहाँ मिलेंगे, फ्री एंड फॉर्मल ट्रांसलेशन, रिटन एंड स्पोकन ट्रांसलेशन, लिटरल एंड फॉरगेटिव, फिगरेटिव ट्रांसलेशन एंड लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन। तो लिटरल एंड फ्री जो हमारा चौथा ऑप्शन है डी, ये राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिटन इन स्पोक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिटन इन स्पोकन कॉन्टेक्ट फ्राम 1 लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, नन ऑफ दीज। तो हम ट्रांसलेशन के थ्रू हम एक दूसरे से जो अदर लैंग्वेज में जो कन्वर्सेशन करते हैं तो वो ट्रांसलेशन के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, व्हाट इज मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रांसलेशन परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन ट्रांसलेटर्स। अगला हमारा बी है, ट्रांसलेशन परफॉर्म्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी इसमें आपके 2 ऑप्शन और हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसलेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ पर जो एंशिएंट इंडिया हमारा भारत था, उसमें किस भाषा को यूज़ करते थे ट्रांसलेशन के रूप में, उसमें यूज़ करते थे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश। तो उसमें हम संस्कृत यूज़ किया करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। हु ट्रांसलेटेड द भागवत गीता इंटू इंग्लिश फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम जो इंग्लिश जो हमारी भागवत गीता है वो किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, या किसने इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, जेम्स मिल ने, चार्ल्स विंकल्स से, विलियम जॉन्स ने, या थॉमस हार्डी। तो चार्ल्स विलिंकन्स ये हैं राइटर इंग्लिश के, जो इंग्लिश मतलब कि फॉरेन कंट्री के हैं, जिन्होंने भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था पहली बार। क्वेश्चन हमारा अगला है, सिक्स क्वेश्चन है, विच इंडियन लैंग्वेज हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसलेशन पब्लिश्ड,
यानी भारत की कौन सी भाषा जो कि सबसे बड़ी जो ट्रांसलेशन नंबर यानी बहुत अधिक ट्रांसलेशन उसके में पब्लिश हुए हैं यानी कि प्रकाशन हुआ है, तमिल है, बंगाली है या फिर मराठी है या हिंदी। तो हिंदी जो है हमारे यहाँ लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे अधिक हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन होता है या प्रकाशन होता है ट्रांसलेशन का। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फेमस इंडियन राइटर इज़ नोन फॉर हिज ट्रांसलेशंस ऑफ शेक्सपियर्स वर्क इनटू बंगाली। यानी कि भारत का कौन सा ऐसा, इंडिया का कौन सा ऐसा राइटर है जो कि फेमस है किस काम के लिए, शेक्सपियर का वह जो वर्क है उन्होंने उसको बंगाली में चेंज किया है या बंगाली में ट्रांसलेट किया है, तो ऐसे कौन से लेखक हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सत्यजीत राय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर शरद चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। तो जो आपका सी है ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शेक्सपियर की अधिकांशता शेक्सपियर का वर्क जो है वो बंगाली भाषा में ट्रांसलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच इंडियन राइटर वाज अवार्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन इंडिया। मतलब भारत के किस भारतीय लेखक के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, कब दिया गया था, 1913 में, कलेक्शन ए पोएम ऑफ गीतांजलि, जिनकी पोएम है गीतांजलि नाम से। तो आप अगर नाम सुना आप समझ ही गए होंगे, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद चटर्जी या मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। इनकी जो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर है, वर्तमान भारतीय, भारत का वर्तमान साहित्य, उसका पिता किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर चार राइटर दिए हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारत हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद। तो जो राइट आंसर आपका है वो सी है, भारत हरिश्चंद्र के लिए जो है मॉडर्न इंडियन लिटरेचर का फादर कहा जाता है। और सेकेंड सेमेस्टर जो आपका पेपर होने वाला है आपका ये मिलिट्री साइंस का, तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, शाम को अपलोड हो चुका, उससे आप दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, बाकी वीडियो और आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ कंसीडर द फर्स्ट प्रोफेशनल ट्रांसलेटर इन इंडिया हैविंग वर्किंग ए ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। यानी 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, तो कौन सा ऐसा हमारे यहाँ जो किसने उसकी आलोचना की या उसके जो ट्रांसलेटर था यानी अनुवाद था उसको प्रोफेशनल तरीके से कार्य किया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, चार, मोहन राकेश, सत्यप्रकाश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राजा राम मोहन राय एंड सुजीत मुखर्जी। तो राजा राम मोहन राय यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है, और इसी को आपको बिल्कुल डार्क ब्लैक पेन लेके जाना है, बाल पॉइंट वाला, और इस तरीके से बिल्कुल ही ब्लैक कर देना है, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से, मतलब बाहर ना निकले और गोला आपका रिंग आधा भी ना हो, कंप्लीट हो जाए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमैन टू ट्रांसलेट द कुरान इनटू इंग्लिश। यानी भारत की कौन सी ऐसी महिला है जिसने कुरान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो वहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हिस्मत चौगाटी, सलमान अंसारी, अरुणा राय, बेगम आयशा सुल्ताना। तो बेगम आयशा सुल्ताना है, इन्हीं ने इस्लाम जो कुरान है जो इस्लाम धर्म का जो ग्रंथ है उसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इंडियन लैंग्वेज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसलेशन कुरान। मतलब कुरान में मतलब किस का मतलब कुरान का जो ट्रांसलेशन है वो अधिकांश भारत की किस भाषा में मिलता है, उर्दू मिलता है, हिंदी मिलता है, बंगाली मिलता है या फिर इंग्लिश। तो बंगाली में सर्वाधिक इसका अनुवाद हुआ है, किसका, कुरान का। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन जो है जो इंडियन लिटरेचर में कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, ठीक है, फ्री ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ टू। अगला क्वेश्चन हमारा है 14, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, फटाफट पूरे करते हैं जल्दी इसको। विच ऑफ द
विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज मोर फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड अदर टेक्स्ट सोर्स। जो हमारा सोर्स टेक्स्ट होता है उसके लिए मेंटेन करने के लिए हमें किस प्रकार के ट्रांसलेटर पर फोकस करना चाहिए, मेन कौन सा होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्री ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन, नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट है वो सी ऑप्शन है, लिटरल ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज मोर सूटेड फॉर लिटरेरी वर्क। मतलब जो कौन सा ट्रांसलेशन ऐसा है या अनुवाद का तरीका अच्छा है जो लिटरेरी वर्क के लिए सबसे सुटेबल है, यानी कि उचित है। तो यहाँ पर लिटरल ट्रांसलेशन है, फ्री ट्रांसलेशन, तो ये फ्री ट्रांसलेशन है, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी होगा, गूगल ट्रांसलेशन ये नहीं है, आपका बी ऑप्शन राइट था, हम बता चुके हैं आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फॉर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन। यानी किस ट्रांसलेशन, किस प्रकार के ट्रांसलेशन को डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के लिए हम टिपिकली रूप से यूज़ करते हैं। जैसे फ्री ट्रांसलेशन को यूज़ करते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन यूज करते हैं, इनमें से नहीं है, ऑप्शन जाएगा सी राइट आपका। सी क्या कह रहा है, बोथ कैन बी इफेक्टिव, ये दोनों ही इफेक्टिव हो सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। और दोनों का जो निर्भर है वो कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट पर रहता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं जो प्रसंग दिया होता है, जो संदर्भ दिया होता है, पैसे दिया था उसको, और कंटेंट जो कोई पढ़ा के उस बच्चों को प्रोवाइड करता है वो कंटेंट कहलाता है। फिर दिया हुआ नाइदर इज इफेक्टिव फॉर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, तो आपका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फॉर फिल्म एंड टीवी सुटेबल्स सब टाइटल्स। यानी ट्रांसलेशन का कौन सा टाइप है, कौन सा प्रकार है जो फिल्म और टीवी सब टाइटल के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्री ट्रांसलेशन, यहाँ पर आपका लिटरल ट्रांसलेशन दिया हुआ है। अब देखते हैं हम अपना अगला ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया हुआ है वो है बोथ कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कॉन्टेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपका राइट है, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिस्ट इज यूज्ड फॉर स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन। जो स्पीच टेक्स्ट ट्रांसलेशन के लिए हम कौन सा ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कौन सी तकनीकी यूज़ करते हैं, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टर्मिनोलॉजी, और आपका ऑप्शन दिया हुआ राइट सी, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इसी को हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज फॉर ट्रांसलेशन। यानी कि जो ट्रांसलेशन के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो काफ़ी ईजी हो और मतलब प्रचलन में हो, यानी कि पॉपुलर हो। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल ट्रांसलेशन, और डी दिया आपका है ओमेगा। तो ओमेगा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यानी ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर दिया स्काई पे, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ट्रांसलेट, मेमो क्यू, ठीक है। तो मेमो क्यू यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर द कंसीडर टू कंसीडर वेन सेलेक्टिंग ए ट्रांसलेशन टूल और टेक्नोलॉजी। यानी जो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी है उसके लिए हम कौन सा टूल, कौन सा कंसीडर यूज़ करते हैं सेलेक्टिंग करने के लिए लैंग्वेज को। तो यहाँ पर दिया हुआ है सपोर्टेड लैंग्वेज, ट्रांसलेशन एक्यूरेसी, कॉस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो ये हम तीनों ही यूज़ करते हैं, सपोर्ट लैंग्वेज को भी, ट्रांसलेशन एक्यूरेसी और कॉस्ट को भी यूज़ करते हैं। तीनों ऑप्शन राइट हैं आपके, और ऑप्शन आपका राइट है डी। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द स्टोरी ऑफ पिंजर। पिंजर कहानी किसने लिखी है, तो आंसर आपका मिल गया अमिता प्रीतम ने लिखी है। यहाँ पर ऑप्शन आपके तीन और हैं जिनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिए हुए हैं, जयसिंह प्रसाद, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आंसर आपका पहला था अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन आपका है, इन विच ईयर पिंजर पाज पब्लिश्ड, ठीक है। पब्लिश्ड जो पिंजर थी वो कहानी कब पब्लिश हुई थी, तो इसमें भी ऑप्शन आपके दिए हुए हैं चार, देख लेते हैं, 1940, इन 1970, 1950, 1960। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि इन 1950, 1950 में पब्लिश हुई है ये।
बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हु ट्रांसलेट पिंजर इनटू इंग्लिश, किसने पिंजर कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है? तो यहाँ पर राइटर दिए हुए हैं सुधा, बी ए तेंदुलकर, खुशवंत सिंह, राशिद खान। तो आपका राइट आंसर सी आएगा, खुशवंत सिंह जो हैं इन्होंने पिंजर कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और उसका नाम है स्केल्टन। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड, यानी भारत की कौन सी पहली महिला है जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड या पुरस्कार प्राप्त किया? तो यहाँ पर चार नाम दिए हुए हैं, महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, अरुंधति राय। तो सी ऑप्शन आपको लग जाएगा, यानी कि अमृता प्रीतम को ये पहली महिला हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन 26 है, हु ट्रांसलेट द नोबल पिंजर टू फ्रेंच, मतलब किसने नोबल पिंजर के लिए, क्योंकि पिंजर एक नोबल है ये भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि नोबल है ये, उपन्यास है, तो फ्रेंच में किसने इसको मतलब किया है ट्रांसलेट? माइकल कोर्स ने, थॉमस जॉर्ज ने, फिलिप सिडनी ने, टेनिस मैटिंग्स, इन्होंने किया है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, पूरा पेपर ही सॉल्व होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। व्हाट इज सेटिंग ऑफ द नोबल पिंजर, नोबल पिंजर की सेटिंग क्या है, मतलब किस बेस पर आधारित है वो? तो लिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी भारत के आज़ाद होने से पहले का है, फ्री इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत के आज़ाद होने के बाद का है, इनको कब लिखा गया ये पूछा जा रहा है, उसकी स्थितियाँ क्या हैं परिस्थितियों अनुसार, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान या ब्रिटिश इंडिया। तो पार्टीशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस पर यह कहानी आधारित है पूरा नावल, और इस पर एक मूवी बनी है पिंजर, जिसमें प्रीति जिंटा, शाहरुख खान का रोल दिखाया गया, काफ़ी अच्छी मूवी है इस कहानी को समझने के लिए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल पिंजर, यानी जो टाइटल पिंजर है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाएगा और आपको एक तरीके से ये की याद रखना है, इट इज़ द नेम ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, ये भी नहीं है, मतलब ये समाज जो धार्मिक तत्व से जुड़ा हुआ है, नहीं है। इट इज़ द नेम ऑफ द विलेज, किसी गांव का नाम है, नहीं है। इट इज़ द नेम ऑफ प्रोस्टिसाइड, ये किसी जंत का नाम है, नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा, इट इज़ सिंबल ऑफ सर्वाइवल एंड होप, यानी कि आशा और अपने आप को बदलाव करना समय के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ द ऑथर ऑफ आंसू, आंसू का लेखक कौन है, किसने आंसू लिखा है? मुंशी प्रेमचंद लिखा है, माधवी वर्मा ने, महाश्वेता देवी ने, तो जयशंकर प्रसाद लिखा हुआ रचना है आंसू। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब कहानी है आंसू, आपकी 8 मिनट है कि 8 मिनट से क्वेश्चन निकालें, 100 क्वेश्चन में टाइम लगेगा बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज पिंजर इज ए सिंबल ऑफ होप एंड रिशांस रिसाइलेंस, तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो होप एंड रिशांस का सिंबल है? तो है वो लज्जू, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 31, हु इज़ द पॉपुलर एज महाकवि एंड किंग ऑफ ड्रामा, यानी कौन से कौन है जो कि महाकवि और किंग ऑफ ड्रामा, यानी कि नाटक का लिखने का वाला राजा, किसको कहा गया है? तो यहाँ पर आपके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर दिए हुए हैं, भारत भूषण दिए हुए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी दिए हुए हैं, तो डी ऑप्शन रट जाएगा, जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, वेयर एंड व्हेन जयशंकर प्रसाद वाज बॉर्न, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सीधा आंसर बता देते हैं आपके लिए, यहाँ पर दिवाका भी आंसर दिए हुए हैं, तो जो डी ऑप्शन राइट जाएगा आपका, यानी कि 1889 वाराणसी, 1889 में इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद बिगेन राइटिंग वर्क इन पोएट्री इन, मतलब जयशंकर प्रसाद ने अपना जो काव्य जो राइटिंग था, यानी कि जो लेखन था क्रिया थी, लिखने का काम शुरू किया था किस भाषा में, अवधी में? नहीं, 3 ऑप्शन दिए हुए आप नीचे, खड़ी बोली, मराठी, सॉरी मैथिली, ब्रज भाषा, इनकी मुख्य भाषा रही है कविताओं के लिए, किसकी? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु ट्रांसलेटेड जयशंकर प्रसाद आंसू इनटू इंग्लिश विद द नेम ऑफ द गार्डन ऑफ लोनलीनेस, यानी गार्डन ऑफ लोनलीनेस जो लिखा है, रचना की है जयशंकर प्रसाद के आंसू पोएम पर, तो ये किसने लिखी है? तो पीटरसन, माइकल जैक्सन, इसाक न्यूटन, चार्ल्स एज ए वाइट, तो चार्ल्स एज ए वाइट हैं, इन्होंने आंसू को इंग्लिश में नाम दिया है द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। अगला क्वेश्चन है 35, हाउ इज रोमांटिक इज इन हिंदी लिटरेचर नोन एज,
यानी कि हिंदी लिटरेचर में रोमांटिक एज को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वीरगाथा काल, भक्ति काल, छायावादी युग या पुनानाब्दीज। तो सी ऑप्शन हट जाएगा, रोमांटिक काल को या रोमांटिक एज को हिंदी में जाना जाता है छायावादी युग के नाम से, जिसकी प्रवक्ता है जयशंकर प्रसाद हैं। अगला, आफ्टर हुज डेथ जयशंकर प्रसाद रोट आंसू, आंसू की रचना की है जयशंकर प्रसाद ने किसकी मृत्यु के बाद, मदर, सिस्टर, डॉटर, वाइफ। तो पत्नी इनकी जो ख़त्म हो जाती है उनके बाद ये आंसू की रचना करते हैं, पोएम लिखते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, वेन जयशंकर प्रसाद डाय, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब होती है। तो जयशंकर प्रसाद डाय इन 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, द प्ले कन्यादान रिवॉल्व्स अराउंड द, कन्यादान जो प्ले है ये ड्रामा है, हमने कविता पढ़ ली, इससे पहले हमने नॉवल पढ़ा था, अब हम आ गए प्ले पर। तो सोशल इशूज़, जेंडर इशूज़, मैरिज ऑफ ज्योति, फैमिली एंड पॉलिटिकल इशूज़। तो सी ऑप्शन हट जाएगा, मतलब जो जो कन्यादान प्ले है वो उसकी वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, तो मैरिज ऑफ ज्योति, ज्योति की शादी पर ही डिपेंड है ये नाटक। आई स्टैंड बाई यू, गो अहीड माई चाइल्ड, हु सैड दिस वर्ड, मतलब इन शब्दों को किसने कहा, जयप्रकाश शेबा, नाथ देवलाइंकर या अरुण अठावले। तो सी ऑप्शन जाएगा राइट, नाथ देवलाइंकर। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज कन्यादान, कन्यादान क्या है, ये मूवी है, ए रिटेल हिंदी लैंग्वेज मैरिज, मतलब भारतीय जो शादियां होती है उन पर आधारित है ये। तो आपका बी राइट आ जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है 42, तो 42 में है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया जो कहानी है वो किसने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका राइटर है मोहन राकेश, भीष्म साहनी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अब हम पढ़ेंगे स्टोरी, तो ये भीष्म साहनी कहानी है अमृतसर आ गया, जो कि पंजाब का काफ़ी प्रसिद्ध राज्य मतलब वो है शहर। अगला क्वेश्चन है, विच दिल्ली कॉलेज हायर्ड भीष्म साहनी एज इंग्लिश लेक्चरर, मतलब दिल्ली के किस कॉलेज ने भीष्म साहनी को इंग्लिश लेक्चरर के तौर पर हायर किया था, यानी उन्हें बुलाया था पढ़ाने के लिए। तो दयाल सिंह कॉलेज, हंसराज कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज या फिर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। तो आपका राइट जाएगा सी ऑप्शन, जाकिर हुसैन कॉलेज। अगला क्वेश्चन आपका है 44, व्हेन डिड भीष्म साहनी गेट द पद्म भूषण अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के लिए भीष्म साहनी को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था। तो 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, यानी कि 2002 में, 2002 में ने ये पुरस्कार मिला था, कौन सा, पद्म भूषण अवार्ड हिंदी लिटरेचर में। व्हाट इज़ द इंग्लिश वर्जन ऑफ स्टोरी अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया जो है तो उसका इंग्लिश वर्जन क्या है, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड अमृतसर, द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर। तो ये आपका राइट ऑप्शन आएगा बी, जो इंग्लिश वर्जन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 में है, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया किस समय का लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, बिफोर पार्टीशन बंटवारे से पहले, आफ्टर पार्टीशन बंटवारे के बाद, मतलब कब लिखा गया ये। तो ये लिखा गया है ड्यूरिंग पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिस समय इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उसी समय इन्होंने ये कहानी लिखी थी, ठीक है, अमृतसर आ गया भीष्म साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट इन अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, यानी कि आपसी मतभेद जो था या हिंसा थी उसका महत्व, उसका जो मेन क्या था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चार, पहला है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी, दूसरा है ब्लैक द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो हिंदू एंड मुस्लिम जो आपस में मतभेद था उस पर डिपेंड था इनका, इनकी कहानी थी अमृतसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, वेन ब्रिज भीष्म साहनी बॉर्न, भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था। तो 8 अगस्त 1915 उनका जन्म होता है।
अगला क्वेश्चन है, हु रोट द स्टोरी द हंट। द हंट स्टोरी ये किसने लिखी है? माधी वर्मा ने, अमृता प्रीतम ने, महाश्वेता देवी की लिखी हुई रचना है ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न इन वेरियस लिटरेरी अवार्ड सच एज साहित्य अकेडमी अवार्ड इन बंगाली, मतलब इनके लिए कितने अवार्ड किस क्षेत्र में मिले, ठीक है। करें जनपथ अवार्ड, रोमन मैग्जेसे अवार्ड, मैग्जेसे अवार्ड, ऑल ऑफ दीज, इन ये तीनों अवार्ड जो थे महाश्वेता देवी को मिले थे। अगला क्वेश्चन है, महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न, महाश्वेता देवी का जन्म कब हुआ था? इन 1925, इन 1926, इन 1927, 1908। तो आप इनका जन्म होता है इन 1926 में, यानी 1926 में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 52 क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल लीडर डिड महाश्वेता देवी सपोर्ट, मतलब किसने, कौन से नेता ने जो है राजनीतिक नेता ने महाश्वेता देवी को सपोर्ट किया था? सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, बनर्जी, तो ममता बनर्जी ने इनको सपोर्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड महाश्वेता देवी डाई, महाश्वेता देवी की मृत्यु कब होती है? इन 2014, इन 2015, इन 26, यानी कि 2016 में इनकी मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन, हु गेव दैट स्टेटमेंट अबाउट मैरी यू लुक लाइक हेमा मालिनी, मतलब ये स्टेटमेंट किसने कहा था इनके बारे में? तो लिखा है जालिम सिंह, बनवारी सिंह, तहसीलदार सिंह, ये तहसीलदार सिंह ने कहा था महादेवी श्वेता के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेन बाज महाश्वेता देवी फर्स्ट बुक पब्लिश, महादेवी श्वेता की पहली बुक कब पब्लिश हुई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है इन 1956, 1956 में पहली बुक इनकी प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन आ गया फिर से, ये लिखा हु रोट द प्ले आधे अधूरे, जो आधे अधूरे नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? इसका इंग्लिश वर्जन है हाफ वे हाउस, हाफ वे हाउस ये इंग्लिश वर्जन है। अगला है जयशंकर प्रसाद, विषम साहनी, मोहन राकेश, अमृता प्रीतम, तो ये जाएगा सी ऑप्शन, मोहन राकेश ने लिखा है। अगला है वेन एंड वेयर मोहन राकेश वाज बॉर्न, मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो यहाँ पर इनका आंसर देख लेते हैं, इन 1922 पटियाला, इन 1923 जालंधर, इन 1924 पठानकोट, इन 1925 अमृतसर, तो डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाउ डिड मोहन राकेश स्टार्ट हिज करियर, मतलब मोहन राकेश ने अपना करियर किस तरीके से स्टार्ट किया था, यानी किस प्रकार से स्टार्ट किया था, किस क्षेत्र से, एज एडवोकेट वकील के रूप में, एज टीचर अध्यापक के रूप में, एज बैंक एम्प्लॉय बैंक लाइफ रूप में, एज पोस्ट मास्टर, तो ये पोस्ट मास्टर के थ्रू इन्होंने काम अपना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है 59, व्हाट काइंड ऑफ प्ले आधे अधूरे, मतलब आधे अधूरे प्ले क्या है, कौन सा प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले है, कॉमेडी है, रोमांटिक है या रियलिस्टिक, तो जो आधे अधूरे प्ले है ये वास्तविकता पर आधारित है, यानी कि रियलिस्टिक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले आधे अधूरे, आधे अधूरे प्ले का सेंट्रल करेक्टर क्या है, यानी सेंट्रल यानी कि केंद्र बिंदु, यानी कि मुख्य करेक्टर कौन है? तो यहाँ पर चार नाम दिए हुए, जुनेजा, महेंद्रा, अशोक, सावित्री, तो सावित्री इसका जो है सेंट्रल करेक्टर है। अगला क्वेश्चन है 61, व्हेन डिड मोहन राकेश डाय, मोहन राकेश की मृत्यु कब होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया आपका राइट, एक ही बता रहा हूँ सीधा, बी दिया हुआ है वो है 1972, यानी 1972 में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 62 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है व्हाट आर द अदर नेम ऑफ आधे अधूरे, यानी कि आधे अधूरे का दूसरा नाम क्या है या अन्य किस नाम से जानते हैं हम? तो लिखा है द कंप्लीट वंस, द हाफ वे हाउस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो आपका राइट जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि हाफ वे हाउस, ये आधे अधूरे का इंग्लिश वर्जन है। अगला क्वेश्चन हमारा है हु रोट प्ले कन्यादान, ठीक है। अब कन्यादान किसने लिखा है? विजय तेंदुलकर ने लिखा है, इनको देख लेते हैं, मोहन राकेश का आधे अधूरे देख लिया हमने,
अगला क्वेश्चन हमारा है कि कन्या किस राइटर कौन है, किसने लिखा है, तो यहाँ पर दिया हुआ मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, अमृता प्रीतम, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो विजय तेंदुलकर ने लिखा है कन्यादान। चलिए देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ विजय तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया हुआ है विजय बेलापति तेंदुलकर, विजय टेंडाली तेंदुलकर, विजय ढूंढोपंत तेंदुलकर, तो सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेन वाज द प्ले कन्यादान रिटन, कन्यादान जो नाटक है वो कब लिखा गया था, इन 1996, इन 1997, इन 1998, इन 1999, तो वो लिखा गया था 1996, इन 1996 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, विजय तेंदुलकर इज फेमस एज, विजय तेंदुलकर जो फेमस हैं वो किसके लिए फेमस हैं, प्ले राइट यानी नाटक लिखने के लिए, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, ठीक है, राजनीतिक मतलब विचार रखने वाले या विचारक, टेलीविज़न कंटेंट राइटर यानी जो टीवी नाटक आते हैं उनको लिखने का राइटर हैं वो, ये ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज, इन्होंने सारे काम किए, प्ले राइट भी लिखा, प्ले राइट भी काम किया, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट में काम किया, टेलीविज़न कॉन्टेंट राइटर पर भी काम किया। अगला क्वेश्चन हमारा है 67 में द प्ले कन्यादान रिवॉल्व्स अराउंड द, जो कन्यादान प्ले है वो किसके अर्ध गर्द घूमता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा जेंडर इशू है, सोशल इशू है, महादेवी श्वेता, सॉरी मैरिज ऑफ ज्योति। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज सेवाग वर्ग, तो सेवाग वर्ग क्या है, एमएलए, एमपी, पॉलिटिकल लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, तो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं यानी सामाजिक कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ अरुण अठावले बुक, जो अरुण अठावले बुक है उसकी थीम क्या है, किस बात पर लिखी गई है, तो लिखा है फेमिनिस्ट लिटरेचर, कैरेबियन लिटरेचर, दलित लिटरेचर या रिलीजियस लिटरेचर, तो ये दलित लिटरेचर पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, मतलब कि सबसे पहली ट्रांसलेशन प्रैक्टिस क्या है, ट्रांसलेटिंग द टेक्स्ट इमीडिएटली, एडिटिंग द सियोर्स टेक्स्ट, फिर आपको दिया रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सियोर्स टेक्स्ट, यही आपका राइट ऑप्शन है। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोंट इन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, मतलब हमें ट्रांसलेशन करते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो वो उसमें आपका कौन सा राइट जाएगा, यूजिंग मशीन ट्रांसलेशन विदाउट ह्यूमन एडिटिंग रिव्यू, मतलब बगैर मानव के एडिटिंग रिव्यू के बगैर हमें ट्रांसलेशन मशीन का यूज नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डू इन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, और हमें क्या करना चाहिए ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करते समय, तो वर्किंग विद ए ट्रस्ट, हमें अपने विश्वास का काम करना चाहिए, नेटवर्क ऑफ कॉलेजियस पीर्स और अच्छे माहौल में, टू इम्प्रूव योर स्किल एंड नॉलेज, जिससे हम अपने स्किल एंड नॉलेज यानी अपने लक्ष्य और अपने ज्ञान को उसमें सुधार कर सकें। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डू इज ए डोंट इन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए आप देख लेते हैं जो आंसर राइट बनेगा, वही बता दे रहा हूँ, यूजिंग सब्जेक्टिव लैंग्वेज एंड वेज टर्मिनोलॉजी दैट मे इफेक्टिव, मतलब हमें यूजिंग सब्जेक्ट जो हमारा महत्वपूर्ण है, जो भी हमारा यूज़ करने के लिए उपयोगी है, उसी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, और टर्मिनोलॉजी दैट अफेक्ट द एक्यूरेसी, जिससे हमारा जो हम लिख रहे हैं वो हमारा प्रभावशाली बने, यानी सब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है 74 में दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डू इन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, अब हमें ट्रांसलेशन प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर दिए हुए हैं आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यूजिंग आउटडेटेड द इनकरेक्ट टर्मिनोलॉजी एंड प्रेफरेंस फॉर सब्जेक्ट मैटर, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी देखते हैं,
इग्नोरिंग एनी कल्चरल और पोलिटिकल सेंसिटिविटीज़ दैट मे अफेक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ योर टेक्स्ट, मतलब इनको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ऑप्शन सी राइट है, प्रोवाइडिंग द क्लाइंट द रेगुलर अपडेट एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन द ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट, मतलब जो हम ट्रांसलेशन का जो प्रोवाइडिंग क्लाइंट विद रेगुलर, हम क्लाइंट को रेगुलर रूप से उसे अपडेट करें एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसकी नियमित रूप की रिपोर्ट प्रोग्रेस करें, उसमें मतलब ग्रोथ करें ऑन द ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट और उस अनुवाद के प्रोजेक्ट यानी कार्यक्रम पर या कार्य पर। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डू इन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, हमें क्या करना चाहिए जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसके अभ्यास के समय, क्या करना चाहिए था या क्या करना चाहिए, तो इसमें भी मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें हमें यूजिंग ए कॉन्टेंट एंड टर्मिनोलॉजी एंड स्टाइल गाइड थ्रू आउट द ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट, मतलब हमें गाइडलाइन के अनुसार यानी कि उसके मार्गदर्शन के अनुसार ही उसको हमें पूरा करना चाहिए। सी बी वाला ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन हमारा है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोंट इन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, ट्रांसलेशन अभ्यास करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए दिए गए पॉइंट के आधार पर। तो इसमें हमें ऑप्शन बी राइट है, इग्नोरिंग एनी ग्रामेटिकल एरर्स एंड आर इनकंसिस्टेंस इन द शॉर्ट टेक्स्ट, मतलब हमने जो ग्रामेटिकल हमारी जो मिस्टेकें होती हैं जो कमियाँ होती हैं उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए जो भी हम सोर्स टेक्स्ट के बारे में लिख रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी के बारे में किसी भी लैंग्वेज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डोंट इन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए जब हम अभ्यास करते हैं ट्रांसलेशन का। आइए आप तो देखते हैं राइट वाला, जो राइट है वही देखेंगे, फेलिंग टू एक्सपेक्ट कॉन्फिडेंटली ऑफ द सोर्स टेक्स्ट एंड क्लाइंट इंफॉर्मेशन, हमें अच्छे तरीके से उसको फील करना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ में और कॉन्फिडेंटली यानी विश्वास के साथ में आत्मविश्वास के साथ में ऑफ द सोर्स टेक्स्ट एंड क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, और उसमें जो हमारा क्लाइंट होता है उसको इन्फॉर्मेशन उसको सूचना भी करनी चाहिए या सूचित करना भी होता है। 78 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू इन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, अब हमें ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करते समय क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग द फाइनल ट्रांसलेशन इंश्योर एक्यूरेसी कंटेंसी एंड क्लेरिटी, मतलब हमारे लिए जो भी हम ट्रांसलेशन एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए फाइनली जो विश्वास के साथ में उसको शुद्ध करना चाहिए और उसकी जो क्लेरिटी है यानी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि कोई मिस्टेक ना हो, राइटिंग गंदा ना हो, यानी कि अच्छा प्रिंटर काम करता हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 79 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डू ए ट्रांसलेशन प्रैक्टिस यूजिंग एप्रोप्रिएट, तो इसमें कौन सा हमें ट्रांसलेशन यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम राइट आंसर ढूंढेंगे। सबसे पहले इग्नोरिंग एनी पोटेंशियल कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशूज़ रिलेटेड टू द सोर्स टेक्स्ट, मतलब हमें किसी प्रकार से कोई भी कॉपीराइट या किसी की कॉपीराइट नहीं करनी चाहिए और अपने हिसाब से उसको क्लियर करके मतलब उसका सोर्स टेक्स्ट को उसी से रिलेटेड जो इशू हैं उसको क्लियर करके लिखना चाहिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 क्वेश्चन नंबर आ गया, वीडियो कंप्लीट होने वाला है, 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। व्हाट आर द फॉलोइंग इज डू इन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, इसमें हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं राइट आंसर आपका बी जाएगा, मेंटेनिंग ए क्लियर ओपन लाइन कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट थ्रू द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है, यह राइट ऑप्शन है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ए डोंट इन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, डोंट ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करते समय में क्या नहीं करना चाहिए, तो मेकिंग एज्यूप्शन अबाउट द टारगेट ऑडियंस लेवल ऑफ फेमिलिटी विद दैट सब्जेक्ट मैटर, तो ये राइट आंसर है, यह आपको नहीं करना चाहिए, इसी को टिक कर देना है, मतलब रिंग कर देना है, गोल्ड ब्लैक ए बी सी जो भी ऑप्शन दिया होगा उसके आधार पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोंट इन डू ट्रांस डोंट ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करते समय या अभ्यास करते समय क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर नहीं जो नहीं करना है, रिसर्चिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एंड ऑडियंस कहते हैं श्रोताओं, ठीक है, तो आपका सी वाला राइट जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 83 है, महाश्वेता देवी बाज ऑनर्ड विद वेरियस लिटरेरी अवार्ड सच एज, कौन से वेरियस लिटरेरी अवार्ड से वो मतलब उनको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है सात अकेडमी अवार्ड इन बंगाली, जनपद अवार्ड, रोमन मैगजेसे अवार्ड, ये सारे इन्हें मिले हैं। ठीक है, 84 में। फिर क्वेश्चन नंबर, हु ट्रांसलेट माधवी सोता देवी द स्टोरी द हंट इन टू इंग्लिश, द स्टोरी हंट जो है वो उसको इंग्लिश में किसने लिखा है, तो यहाँ पर दिए हुए हैं खुशवंत सिंह, मोहन राकेश, तो गायत्री चक्रवर्ती शिवाक, इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है द हंट स्टोरी को। अबाउट द प्ले डिड विजय तेंदुलकर राइट फॉर चिल्ड्रन, मतलब विजय तेंदुलकर ने बच्चों के बारे में कितने प्ले लिखे हैं टोटल, 15, 16, 17 या 18, तो 16 प्ले इन्होंने राइट किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन डिड विजय तेंदुलकर डाय, विजय तेंदुलकर की मृत्यु कब हुई, तो इन 2008 में इनकी मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन है, बेन वाज द प्ले कन्यादान, कन्यादान जो था नाटक वो कब लिखा गया, इन 1996 लिखा गया ये। द प्ले कन्यादान इज डिवाइड इनटू, कन्यादान जो प्ले है वो कितने एक्ट में बटा हुआ है, तो वो दो एक्ट में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु इज हेमर राव कामले कौन है, तो यहाँ पर आपने दिए हुए चार आपके, पोइट, जर्नलिस्ट, एसिस्ट या फिर बिजनेसमैन, तो वो एसिस्ट हैं, एक निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ नाथ देवीलाल लीकर, तो देवीलाल लीकर का बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, सोशलिस्ट वर्कर, पोलिटिकल, MLA, वो एक MLA हैं, यानी कि विधायक, मेम्बर लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला क्वेश्चन है, होम डिड विन्नी मैरी, विन्नी ने किसके साथ शादी की, तो यहाँ पर चार दिए हुए, जुनेजा, मनोज, अशोक, जगमोहन, तो मनोज साथ में विन्नी की शादी होती है। क्वेश्चन नंबर 92, हु इज़ द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द प्ले आधे अधूरे, जो आधे अधूरे प्ले है उसका सेंट्रल करेक्टर कौन है, तो यहाँ पर देखते हैं सेंट्रल करेक्टर उसका है सावित्री। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट एडिटर हिंदी मैगजीन सारिका, हिंदी मैगजीन सारिका का फर्स्ट एडिटर कौन था, तो जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश थे इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94, व्हाट वाज द नेम ऑफ महाश्वेता देवी फर्स्ट बुक, महाश्वेता देवी की फर्स्ट बुक जो थी उसका क्या नाम था, तो यहाँ पर दिया हुआ है झांसी रानी और यह क्वीन ऑफ झांसी, तो यही आपका राइट आंसर है पहला वाला। अगला क्वेश्चन है 95 में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ITPA, ITPA की फुल फॉर्म क्या है, वेयर भीष्म साहनी वर्कड इन 1948, जहाँ 1948 में भीष्म साहनी ने कार्य किया, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो बनेगा बी, दिया हुआ है इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। ठीक, ITPA। अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें 96 में दिया हुआ है, इन विच लैंग्वेज बाज अमृतसर आ गया ओरिजिनली रिटन इन, यानी कि रियलिटी में जो अमृतसर आ गया जो नाटक लिखा गया है तो वो किस भाषा में लिखा गया, पंजाबी में, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, तो ये हिंदी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 97, व्हाट वाज द नेम ऑफ भीष्म साहनीज ऑटोबायोग्राफी, भीष्म साहनी जो हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो गुलाल का कील, आलमगीर, आज का अतीत या ननाबीज, तो ये आज के अतीत, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी किसकी, भीष्म साहनी की। 98 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट इन ए ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं राइट ऑप्शन आपका है बी, दिया हुआ है यूजिंग जेनेरिक एंड नॉन स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट मे नॉट एक्यूरेटली कन्वे द इंटेंटेड मीनिंग ऑफ द सोर्स टेक्स्ट, ये ऑप्शन आपका राइट है, इसी को आपको टिक कर देना है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन सारे पूरे हो चुके हैं। 99 में क्या हुआ है, विच टेक्नोलॉजीज इज़ यूज फॉर रियल टाइम ट्रांसलेशन ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय में किस तरीके की जो ट्रांसलेशन टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है
न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है, ये ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद पोइट्री अवार्ड्स एलिमेंट हिंदी, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है या फिर आप फिल नहीं करना है, आपको सीधा उसका ऑप्शन दे देना है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आपका अरबी, उर्दू, पर्शियन, नानावीज, तो पर्शियन यहाँ पर लिखा जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया था, इसमें एक छूट गया बीच में, इसीलिए 101 हो गया, 41 क्वेश्चन था वहाँ पर ब्लैंक था, तो ये इधर बढ़ गया एक। हाउ डेट जयशंकर प्रसाद डाई, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु किस प्रकार होती है, कैंसर से जाती है, टाइफाइड, मलेरिया, इन्हें ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ उनकी मृत्यु होती है, इन्हें उन्हें टीबी हो जाती है, उसके साथ ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक कर दीजिए, दोस्तों से करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।